चौथा सूत्र है भागवत जी का जो मैंने आपको समझाया कि आप अपने शरीर श्रम को 60 साल की उम्र तक कम मत करिए। मतलब यह है, उन्होंने एक उम्र बनाई है, बच्चा जब पैदा हुआ और 18 साल तक उनका एक कैटेगरी है, 18 साल से लेकर 60 साल उनकी दूसरी कैटेगरी है, और 60 साल के बाद 100-125 साल उनकी तीसरी कैटेगरी है। तो भागवत जी का सूत्र यह है कि 60 के आगे की जो कैटेगरी वाले लोग हैं, 60 से 100-125, इनके जीवन का श्रम कम होते जाना चाहिए, उम्र के साथ कम होते ही जाना चाहिए। ये ज्यादा श्रम ना करें तभी अच्छा है, इनको आराम ही करना है। तो 60 से आगे की उम्र वाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब। 18 से 60 के बीच के जो लोग हैं ये अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, 18 से 19 में थोड़ा ज्यादा, 19 से 20 में थोड़ा ज्यादा, 20 से 21 में थोड़े ज्यादा, ये है 18। और 18 से और एक साल वाले, माने जिनका जन्म हुआ है और 18 साल वाले, इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र जो है ज्यादा श्रम करने की वहां है, जो इनको खेलने के रूप में है, आप वो माने कि श्रम है, जैसे बच्चा खेल रहा है ये उसका श्रम है, तो आप उनको ज्यादा खेलने दीजिए। मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलकूद ज्यादा करने दीजिए, वो उनका श्रम है। 18 से 60 की उम्र में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन भी होता हो, चक्की चलाई तो आटा बन गया, सिलबट्टा चलाया तो चटनी बन गई, माने उत्पादन कुछ ना कुछ हो। तो उत्पादक श्रम 18 से 60 के बीच में कम मत करिए, 60 के बाद इसको कम करते जाइए, और 18 से एक साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत कराइए। यह है।